नमस्कार, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की 25 ताज़ा खबर डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, चलती ट्रेन में अंडरवियर में दौड़ने वाले भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का मीम अब सोशल मीडिया में बनने लगा। डांस के साथ पेट खराब होने के बयान पर बना मीम तेजी से वायरल है। वीडियो को डांस के साथ बनाया गया है। मीम को शेयर करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बिहार के शौचालय मंत्री के लिए दावेदार बताया। अगली खबर, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में दो भाइयों की कहानी दिलचस्प मोड़ पर है। पहले तो छोटे भाई तेजस्वी ने तेज प्रताप को अनुशासन और बड़ों के सम्मान की सीख दी, क्योंकि बड़े भाई ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने गीता की जगह राष्ट्रकवि दिनकर की ओजस्वी रचना रश्मि रथी को उठाकर उन्हें संदेश दिया है कि हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। अगली खबर, बिहार के कई जिलों में खाद की जबरदस्त किल्लत है। किसान खाद बिक्री केंद्रों के बाहर खाद खरीदने के लिए रात से लाइन लग रहे, लेकिन कृषि मंत्री की माने तो ऐसा नहीं है। ये वही कृषि मंत्री हैं जिन्होंने 1 सितंबर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की थी और बिहार को कम खाद आवंटित होने का मामला उठाया था। खबर, भोजपुर में चिराग पासवान ने अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पता नहीं क्यों मुझसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हैं, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते और ना ही मिलने का समय देते। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध किया है और मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। आप नीतियों का विरोध कीजिए ना कीजिए, लेकिन आपने मेरे पार्टी को तोड़ा है, मेरे परिवार को तोड़ा। अगली खबर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय के लिए जमीन की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सीएम ने कहा कि जमीन कहां आसमान से लाएंगे और उन्होंने यह भी कहा कि वो लोग क्या बोलते हैं वही जाने। सीएम के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जेडीयू ने विधायकों के फ्लैट को तोड़कर जमीन कब्जाई है। अगली खबर, बिहार पुलिस के डीएसपी पंकज कुमार रावत भी करोड़पति निकले। बालू के खेल में और माफियाओं के शॉर्टकट की वजह से उन्हें इतना धन अर्जित किया है कि उसे पटना से लेकर हरियाणा तक में कई प्रॉपर्टी खरीद डाला। रियल एस्टेट से लेकर बीमा पॉलिसियों में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, इन बातों का खुलासा देर रात चले आर्थिक शाखा अपराध की जाँच में पता चली। अगली खबर, 538 दिन बाद पटना में फिर से मां गंगा की आरती होगी। 5 पुरोहित पहले मां गंगा का आवाहन करेंगे, फिर विधि विधान से आरती की जाएगी। इस दौरान गांधी घाट को सजाया जाएगा। कोरोना काल में 17 माह से बंद गंगा आरती के शुभारंभ को लेकर पटना के लोगों में काफ़ी उत्साह है और इसको लेकर गांधी घाट पर बनाए गए बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। अगली खबर, बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू ने 48 घंटे के अंदर फिर से सस्पेंड किए गए डीएसपी पंकज रावत पर शिकंजा कसा। ईओयू की टीम ने रावत के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। डीएसपी का एक फ्लैट बोरिंग रोड में एन कॉलेज के सामने कोकिल अपार्टमेंट में है। दानापुर के नासरीगंज में इन्होंने एक घर भी बना रखा था। लिखकर 15 वर्षों तक गुजरात भाजपा के संगठन महामंत्री रहे भिखुभाई दलसानिया, बिहार भाजपा ने प्रदेश संगठन महामंत्री का जिम्मा संभालने का काम दिया है और पटना पहुंचे भिखुभाई के प्रदेश कार्यालय में घुसते ही पूरे कार्यालय का माहौल बदल गया। पार्टी से लेकर प्रवक्ता एक्टिव मोड में आ गए। मीडिया के कार्यालय में घुसने पर रोक लग गई और मंत्री का जनता दरबार भी स्थगित कर दिया गया। अगली खबर, पटना में लोगों को भी महानगर वाली फीलिंग आएगी। बिहार सरकार अब सबसे बड़ा जाम लगने वाले इलाके पर डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। इसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सूचना के मुताबिक ये सड़क जल्द बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। पटना के गांधी मैदान से पटना सिटी तक जाने वाले रास्ते में यह एलिवेटेड रोड बनने जा रही। अगली खबर, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खेल चल रहा है। पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफर में खेल, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मेडिकल अफसर की तैनाती में एक ही कैंडिडेट्स के 3 होम डिस्ट्रिक्ट दिखाए जा रहे। जूनियर डॉक्टरों ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया। जनरल मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग में इतनी बड़ी मनमानी को लेकर व्यवस्था सवालों में, संबंधित कैंडिडेट का असली होम डिस्ट्रिक्ट कौन है अब तक ये पता नहीं चल पाया। अगली खबर, दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक प्रखंड प्रथम खंड के द्वितीय पाली की परीक्षा को विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल स्थगित कर दी है, वो भी तब जब परीक्षार्थी केंद्र पहुंच चुके थे। इसको लेकर सीएम साइंस कॉलेज पर परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया।
अगली खबर, बिहार में बेरोजगारी कालम होने वाले एग्जाम में कैंडिडेट की संख्या में लगाया जा सकता है। एक एक पद के लिए मारामारी मची है। 5 सितंबर को होने वाले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन में अकाउंट्स अफसर एनफोर्समेंट अफसर के एग्जाम में भी ऐसा ही है। भर्ती के लिए पटना में 91 सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ 44,000 कैंडिडेट एग्जाम देंगे। इसमें भी हर कोई जुगाड़ ही खोज रहा। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने परीक्षा में सख्ती को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगली खबर, पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम ने नया फरमान जारी कर दिया। निगम का कहना है कि जिन घरों में बोरिंग होगी उन्हें नल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। साथ ही घर के बाहर नल लगवाने वालों को भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, हर कनेक्शन घर के अंदर होगा। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि बोरिंग कराने वालों को भी अगर नगर निगम की सुविधा चाहिए तो उन्हें भी घर के अंदर ही कनेक्शन लेना होगा। अगली खबर, पटना सिटी के कुख्यात अपराधी दीपक कुमार और पगलवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ कुल 6 गोलियां चलाई, जिसमें 4 गोली दीपक के शरीर में लगी। इसके सिर, सीना और पेट में गोली मारी गई। हत्या की इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात पटना सिटी के आलमगंज थाने इलाके की है। उस वक्त दीपक एक दुकान पर चाय पी रहा था। इसी बीच अपराधी आए और अपने टारगेट को पूरा करके चंद मिनटों में फरार हो गए। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज को हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर।